तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनानी होगी तो यहाँ पर आपको खुद की कोई भी एक वर्कआउट करते हुए एक वीडियो यहाँ पर रेडी करके रख देनी है। मोस्टली अगर आप डेडलिफ्ट मारते हुए वर्क आपकी एक वीडियो होगी तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा है। तो इस जो भी वीडियो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर उस वीडियो की लेंथ जो रहेगी वो मिनिमम 3 सेकेंड की होनी चाहिए। तो इस तरीके की आपको एक वीडियो यहाँ पर रेडी करके रख देनी है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं अभी मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। स्क्रीन के नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो एक वीडियो का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ऑल का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऑल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वीडियो रखी होगी उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और वीडियो को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक ब्लू कलर का टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट की वीडियो थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इस वीडियो के बार को सिलेक्ट करना है और नीचे आपको एक वॉल्यूम का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके इसका वॉल्यूम आपको 0 करना है और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इस वीडियो के एंड पॉइंट पे जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का फोटो आपको दिखेगा, इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक दो प्लस के आइकॉन दिख रहे हैं, इसमें से जो बड़ा वाला प्लस का आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर वीडियो फोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट ऐड करना है, तो टेम्पलेट में अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, तो ये वाला टेम्पलेट आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये टेम्पलेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो कहीं पर से भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना और वहाँ से इस जो टेम्पलेट है इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो का एकदम स्टार्टिंग पे आना है। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो सेंटर में एक ओरिजिनल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपको 9:16 का एक फ्रेम रेशियो दिखेगा, इसे सिलेक्ट करना है और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको करना के वीडियो के स्टार्टिंग पे आना है। अभी आप ये देख सकते हो यहाँ पर टैप टू ऐड म्यूजिक का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी ये जो ट्रेंड है इसके लिए आपको एक बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आके आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज़ का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, तो इसे आपको 100 करना है। फेड इन फेड आउट आपको 0 रखना है। इसके बाद नीचे आपको एक म्यूजिक बिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको एक छोटी सी बिट ऐड करनी है, तो बिट कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो बीट है उसका टाइम है 2.75, तो 2.75 जिस पॉइंट पे आ जाएगा उस पॉइंट पे आके आपको रुकना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2.75 आ चुका है। इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल बटन दिखेगा जिसमें एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी आपको करना क्या है, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो ये ऑडियो का बार है, इसमें आपको एक छोटी सी वर्टिकल लाइन शो हो रही है, तो इस लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ तक आपका जो फर्स्ट वीडियो है उसे आपको क्रॉप करके ले लेना है। तो आपको देखना है कि आपको वीडियो किस तरीके से एडजस्ट करना है। अगर ये वाला पोर्शन आपको एंड में चाहिए तो आपको वीडियो इस तरीके से आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, जैसे इस पॉइंट पर आने के बाद आपका परफेक्ट वीडियो आ जाए, और भी थोड़ा आप इस तरीके से आप यहाँ पर कम कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये परफेक्ट आ चुका है। तो इस पॉइंट पे आके आपको वर्टिकल लाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद वीडियो का जो बार है इसे सिलेक्ट करना है और नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद राइट आंसर का बचा हुआ हिस्सा इसे आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट वीडियो बन चुका है। अभी एकदम वीडियो का स्टार्टिंग पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हो टैप टू एड सबटाइटल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक छोटा सा कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है वैसे टाइप करना है। तो इस तरीके से आपको टाइप करना है। इसके बाद AA का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, कलर के ऑप्शन पर जाकर जो भी आपको कलर अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर नीचे एक सिंगल टिक मार के उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी जो टेक्स्ट है इसे आप इस तरीके से मूव करके जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर आप रख सकते हो। इसके बाद जहाँ पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर एक टेक्स्ट का बार है,
तो इसका जो राइट साइड का एंड है उसे आपको ऑडियो के बारे में जो फर्स्ट आपने जो वर्टिकल लाइन ऐड की है उस पॉइंट तक रखना है। तो इस तरीके से आपको इसे ड्रैग करके लेना है। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को प्ले करके देखोगे तो ये परफेक्ट आपका एक रील यहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड के ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बना हुआ जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एदर इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।